अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 7.3 जो है हमने उसको सॉल्व करना है। इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम 7.3 को सॉल्व करना। इंशाल्लाह 7.12 हमारी कंप्लीट है, 7.3 जब हमारी कंप्लीट होगी 2-3 लेक्चर के अंदर, तो उसके बाद हम एग्जांपल जो है 7.1, 2, 3 की जो मुश्किल वाली है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह 7.4, 7.5 डिटेल में एग्जाम्पल उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 को अपलोड कर देंगे, ताकि क्यामत तक ये जो चैप्टर है ये स्टूडेंट को मसला ना करे, क्योंकि यूट्यूब क्यामत तक ही इंशाल्लाह रहेगी। जाहिर सी बात है पहले तो खत्म होने के चांसेस नहीं है, तो ताकि मसला ना हो। कोर्स इवन चेंज भी हो जाएगा, क्वेश्चंस इतने ही रहते हैं, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चंस के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर आने वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल कवर हो जाएगी। 7.3 में अगर आप बात करो बच्चों, तो अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया था, लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन आप लोगों को पढ़ाई थी। कॉम्बिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एनसीआर का फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैं चीज बताना भूल गया था, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर एनआर लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है एनसीआर, ये कॉम्बिनेशन की नोटेशन होती है। अच्छा सेम परमुटेशन में भी आपने देखा था एक चीज इस तरीके से आप लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल 5, 3, 2, तो इसका मतलब वहां पे होता था 5 factorial divided by 3 factorial 2 factorial, ये मतलब वहां पे होता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उस सीन में हम ये चीज लिखी जाए तो इसका मतलब ये बनता था 5 factorial divided by 3 factorial, लेकिन ये चीज आपने देखी नहीं होगी क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस वाले नोटेशन में आपको समझ नहीं आएगा कि परमुटेशन की बात की जा रही है या कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। तो ये जो केस होता था ना परमुटेशन में, जो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ अलाइक होती थी, तो फिर वो डायरेक्ट बता देंगे कि 5 ऑब्जेक्ट है उसमें से 3 ऑब्जेक्ट अलाइक है, दैट्स इट। वरना ये वाला फॉर्मूला कंफ्यूज कर देगा आपको, ये वाली नोटेशन स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन के लिए होती है। हाँ अगर नीचे 2, 3, 4 चीजें लिखी हुई तो आप समझ जाओगे परमुटेशन का एक केस है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की नोटेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब जरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो बेसिक सा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशंस के लिए, बोर्ड में शायद एमसीक्यूज पे देते हो, वरना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आ सकता है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर के बगैर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आप कुछ अगर वैल्यूज इजी है तो आप निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 52, 3 पार्ट 4 निकाल सकते हो आप। पार्ट 3 तो बहुत ईजी है यार, 10C0 हो या 10P0 हो आंसर 1 ही होता है। अच्छा पार्ट नंबर 2 थोड़ा मसला होगा लेकिन स्टिल निकाल सकते हो। इसी तरह पार्ट नंबर 1 में भी मसला होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर के बगैर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, लिखा हुआ क्या है 24C4। तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का अप्लाई कर दो, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 4 लिखो, 4 फैक्टोरियल, 24 माइनस 4 क्या होता है 20 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला होगा इसका। मैं क्लास ले रहा था तो मुझे याद नहीं रहा, वो कानून में लगा है। अच्छा तो उसके बाद क्या होगा कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 24 को लिख दो 24 23 22 21 और अप टू 20 लिख दो आप, क्योंकि नीचे आपको 20 नजर आ रहा है ना, और ये अपनी जगह पे। तो 20 को 20 फैक्टोरियल को ऊपर वाले फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो, 4 फैक्टोरियल आपको क्या पता है 24 होता है, तो 4 फैक्टोरियल से 24 कैंसिल कर दो, अब बचा 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25। अब इसको कैलकुलेटर के बगैर निकालना तो बहुत मुश्किल बात नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हो, आपके 15-20-30 सेकंड लग जाएंगे लेकिन आप निकाल सकते हो, और मैं हमने इतने सेकंड जाया नहीं करना चाहता तो मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 10626, ठीक है। तो 24 चीजों में से अगर आप 4 चीजें सेलेक्ट करोगे तो कितने नंबर ऑफ बेस बनेंगे, 10626 नंबर ऑफ बेस बनेंगे। तो बाकी पार्ट आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि आपको n मालूम करना है, n मालूम करना है, कंडीशन क्या गिवन है पार्ट 1 में, 2nc3, इसका रेशो गिवन है nc2 से जो कि बराबर है 42:3, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो इसको सिंपल सी बात है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। आप इसको लिख सकते हो 2nc3 डिवाइडेड बाय NC2 इक्वल टू 44/3, फ्रैक्शंस में आपने कन्वर्ट कर लिया। फिर यहां पे सॉल्व करने से बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वरना फ्रैक्शंस बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी। 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करवा दो और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, 2NC3 पे आप फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो आगे मेंशन कर देना। फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या होता है, जो ऊपर चीज लिखी होती है उसका फैक्टोरियल, तो 2N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो नीचे चीज है एज इज लिख दो, और फिर ऊपर और नीचे जो है इसको माइनस कर दो और इसका फैक्टोरियल ले लो। सेम काम NC2 को 44 के साथ दे जाओ, अगेन ऊपर जो चीज लिखी है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, और n-2 फैक्टोरियल। बस परमुटेशन के फॉर्मूले में ये चीज नहीं हुआ करती थी,
आप ऊपर वाला फैक्टोरियल लिखते थे फिर इनको माइनस करके लिख दिया करते थे। कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई कि जो नीचे चीज लिखी होती है ना उसका भी आप फैक्टोरियल लेते हो, थ्री है तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल लेते हो, बाकी तो एग्जैक्ट वही है जो परमुटेशन में आपने पढ़ा था। अब देखो आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, इनको आपस में आप कैंसिल कर सकते हो, इनको आपस में कैंसिल कर सकते हो, कैसे? अच्छा जी ये 2n जो है इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं क्योंकि बड़ा ये है 2n माइनस 3 तो छोटा है ना, बड़ा 2n है तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फिर 2n माइनस 3 और यहां पे रुक जाओ तो फैक्टोरियल लगा दो। डिनोमिनेटर में क्या है 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के बराबर होता है और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखोगे 44 अपनी जगह पे ऊपर n लिखा हुआ है, n को आप लिख सकते हो n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल यहां तक रोक दो और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है और n माइनस 2 फैक्टोरियल ये आप लोग अपनी जगह पे रहेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यहां मेरा 2 जो है वो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कांस्टेंट तो सारे कैंसिल हो जाते हैं, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 22 जा 44 एक ये कैंसिल कर दो और n माइनस 2 कैंसिल कर दो। इसी तरह यहां वाला n जो है वो यहां वाले n से कैंसिल हो जाएगा। सब कैंसिलेशन जब कर लोगे तो राइट हैंड साइड में क्या मौजूद है 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 ठीक है और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में क्या बचा है एक तो 22 बचा है और नीचे सब कैंसिल हो गया तो ऊपर n माइनस 1 बचा है। अब आपकी फ्रैक्शन बहुत ही दोनों तरफ सिंप्लीफाइड होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक ये। अच्छा मजीद भी कैंसिल हो सकती है, इस टाइप का सवाल हमने कॉम्पिटिशन में पढ़ा था तो आप देखो इस वाली चीज को भी आप कैंसिल कर सकते हो, कैसे? मैंने बताया था अगर आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व करो ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल बात नहीं है, दो वैल्यूज आएंगी जो ढंग की वैल्यू होगी वो आप कर लोगे। ढंग की वैल्यू का मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए मिनिमम, या तो 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि अगर 1 हो गई तो 1 सी 2 के तो सेंस नहीं बनेगी ना, एन छोटा तो नहीं हो सकता, तो मिनिमम या तो एन की वैल्यू 2 हो, यहां भी एन की जगह 2 पुट करोगे तो 4c3 और 2c2 सेंस बनेगी इस बात की, 1 और 2 से ग्रेटर हो, 2 से कम नहीं हो सकती। तो जो दो वैल्यूज आ रही होंगी आप देख लेना, फॉर एग्जांपल अगर एक नेगेटिव आ रही है तो हटा दो उसको, तो राइट वाली जो 2 से ग्रेटर होगी वो भी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं एक्सेप्टेबल, एन फ्रैक्शन में नहीं होगा ठीक है। तो बाहर यहां से अगर आप 2 कॉमन लो तो एन माइनस 1 बच जाएगा, एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कैंसिल और यहां पे 2n माइनस 1 है, इस 2 को डिवाइड करवा दो वहां पे जाके तो यहां पे 11 बच जाएगा, तो 2n बराबर होगा 1 को तो ले जाओ 12 और n की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी 6, तो ये आपने n निकाल लिया ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती यहां से उसको भी आप सॉल्व करते तो एक वैल्यू 6 लास्ट में आ जाती। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि np4 और ये बराबर है, हाँ बराबर है 24 NC5 के, करना क्या वही n निकालना है इसके अंदर, तो अगेन प्रोसेस वही रहेगा बस यहां पे आपने परमुटेशन लगानी है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, 24 का साइड पे रहने दो, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, एग्जैक्ट परमुटेशन, बस एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि 5 का फैक्टोरियल ले लो, ये फर्क है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, आप एक काम कर सकते हो, आप इस तरह कर लो n माइनस 4 बड़ा है n माइनस 5 छोटा है तो n माइनस 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, इस तरह भी तो एक्सपेंड कर सकते हो ना, मतलब मैं बोलूं कि n माइनस 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है तो आप क्या करते हो 1 कम करते जाते हो ना, तो सबसे पहले n माइनस 4 लिखोगे फिर n माइनस 4 में से अगर 1 कम करोगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल और यहां पर रुक जाओ, क्यों ऐसा कर लो आपको समझ आ जाएगी अभी। अच्छा जी 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 ठीक है और ये n माइनस 5 हम जगह पे रहने, अब आप बस कैंसिलेशन करो n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 24 1 जा 24 25 5 जा 120, तो यहां पे जस्ट आपके पास मौजूद है 1 अपॉन 5 और यहां पे क्या मौजूद है 1 अपॉन एन माइनस 4, ये सिचुएशन है। आप दोनों तरफ इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दो तो एन माइनस 4 बराबर हो जाएगा 5 के और यहां से जब आप n निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 9,
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर टू पे। सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ है पार्ट वन के अंदर कि अगर टेन आर जो है ये बराबर है टेन आर प्लस फोर के, तो आपको मालूम करना है क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइव आर। मतलब आर अगर मालूम कर लोगे तो फाइव आर आसानी से मालूम कर लोगे। ये चीज अगर आपने मालूम करनी है तो बस आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर की वैल्यू कहां से मिलेगी, ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है। अब जरा देखते हैं इस कंडीशन का कैसे इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन देखो, आपने कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला पढ़ा था कि एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर के। ये दोनों कॉम्बिनेशन बराबर होती है। एनसीआर बराबर होगा एन माइनस आर, नीचे आप कर दो, ऊपर वाली चीज सेम ही है लेकिन नीचे आपने यहां पे आर था और यहां पे एन माइनस आर आपने कर दिया, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आप टेन आर को कैसे लिख सकते हो, आप टेन आर को लिख सकते हो टेन सी टेन माइनस आर। बिल्कुल वही मेथड जो ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से निकाला, नीचे वही काम कर सकते हो। तो टेन सी आर की जगह आप यहां पे पुट कर दो ये वाली चीज, तो ये हो जाएगा टेन सी टेन माइनस आर इक्वल टू टेन सी आर प्लस फोर। मैंने इसको ब्रैकेट से हटा के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया कि क्या बोलेंगे इसको क्या जो टेन आर था इसको आप लिख सकते हो ना टेन सी आर, तो टेन सी आर इसके बराबर है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज लिख दी है और ये चीज जो है ये बराबर होगा टेन सी आर प्लस फोर के। तो इनको आप इक्वल रखो, टेन माइनस आर जो है बराबर हो जाएगा आर प्लस फोर के, माइनस आर को उधर ले जाओ ये टू आर हो जाएगा, फोर को उधर आके सब्ट्रैक्ट करवा दो सिक्स हो जाएगा और आर की वैल्यू यहां से थ्री आ जाएगी। जो भी आर की वैल्यू आई है उसको आप पुट कर दोगे फाइव आर में, फाइव आर ये होगा 5CR जो के बराबर होगा 5C3 क्योंकि R की वैल्यू 3 है ना 5C3। अब 5C3 निकालने का तरीका क्या होगा, 5C3 का फॉर्मूला होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करोगे ऊपर आएगा 120, नीचे आएगा 6 मल्टीप्लाई 2, सॉल्व करोगे आंसर 10 इसका आ जाएगा। यार मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो स्टूडेंट सवाल करते हैं तो मैंने कहा अभी मैं बता देता हूँ। एक आपके पास सवाल में ना लिखा हुआ था कि टेन सी आर ये बराबर है टेन सी आर प्लस फोर के, मतलब आप ब्रैकेट से हटा के अगर आप कम्बिनेशन में लाओगे ना तो ये कंडीशन आपके पास लिखी हुई थी। और मैंने क्या किया था, मैंने इसमें ये निकाला था कि टेन सी टेन माइनस आर इक्वल टू टेन सी आर प्लस फोर। मैंने इस टेन माइनस आर को आर प्लस फोर के बराबर रख के आर की वैल्यू निकाली थी। तो स्टूडेंट के जहन में आता है कि सर आपने यहाँ पे बराबर रखा था, वो ये चीज़ सोचते हैं कि देखो ऊपर टेन टेन है तो नीचे वाली चीज़ें बराबर होंगी, तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे फिर क्यों नहीं किया आपने, यहाँ पे भी आर को आर प्लस फोर के बराबर रखते। तो यार देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने इनको मतलब आर और आर प्लस फोर को बराबर क्यों नहीं रखा। एक तो वैसे सेंस भी नहीं बनती कि आर आर प्लस फोर के बराबर कैसे होगा, लाइक ये तो इक्वेशन बनती नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस आपको गिवन है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस जब गिवन होती है ना तो ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं होती, ये आपको वेरिएबल में कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूँ कि टेन सी टू बराबर है टेन सी एट के, तो क्या आप लोग कभी सोच सकते हो कि टू बराबर होगा एट के? नहीं, आप लोग कभी भी नहीं सोचोगे ये चीज़, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस में नीचे वाली चीज़ें आपस से बराबर नहीं होती, आप इनको इक्वल नहीं रख सकते। तो फिर आप क्या करते हो, आप इसको सॉल्व करते हो। आपको पता है टेन सी टू किसके बराबर होता है, टेन सी टू बराबर होगा टेन माइनस टू के, मतलब वो टेन सी एट के बराबर होगा। ये रखोगे नंबर्स में तो आपको समझ आ रहा है कि दोनों आपस में एट और एट बराबर है ना, तो वेरिएबल में आप यही काम करते हो कि टेन सी आर को लिख दोगे टेन माइनस आर और आर प्लस फोर, मतलब एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं। जैसे यहाँ पे आपने किया ना एट और एट को बराबर रखा है आपने, लेकिन यहाँ पे नंबर्स थे आपको पता है और एट एट आपस में बराबर है, क्या करोगे बराबर रख के। लेकिन यहाँ पे हमने बराबर रख के बेसिकली आर निकालना चाह रहे हैं। इन दोनों को जब बराबर रखोगे आर थ्री आएगा, मतलब जब आप यहाँ पे थ्री पुट करोगे ये भी सेवन हो जाएगा, यहाँ पे थ्री पुट करोगे ये भी सेवन हो जाएगा, एग्जैक्ट ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये वजह है कि मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल नहीं रखा, मैंने इस तरीके से इनको आपस में इक्वल रखा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस थी, उसमें ये आपस में बराबर नहीं होते, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिए। अच्छा, इस सवाल का करने का एक और तरीका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों को बराबर ना रखो, मतलब ये स्टेप आप करो ही ना, आपको आर चाहिए ना, आप यहाँ से डायरेक्ट आर भी निकाल सकते हो, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस में होता है। कि आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे टू है ना तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, होल में से माइनस करना। टेन होल है, टेन में से टू माइनस करो एट आता है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आती है ना।
तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, 2 और 8 को जब ऐड करोगे ना तो वो होल मतलब n आ जाएगा, मतलब ये चीज 2 और 8 को आप ऐड करोगे 10 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 15C3 लिखा हो और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगी, 15C12, 15-C12 होता है, तो अगेन 3 और 12 को ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन गिवन हो ना तो आप इनको इक्वली रख सकते हैं। हाँ, आप इक्वेशन क्या बना सकते हो कि 3 और 12 को जब मैं ऐड करूंगा तो 15 आएगा, आप ये इक्वेशन बना सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन में अगर आपने सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, आप इन दोनों को ऐड करो और बराबर रखो 10 के जो होल है। तो आप क्या करना, आप r plus 4 मतलब ये वाली जो थी और इसको, इन दोनों को ऐड करो, किसके बराबर होगा, होल के बराबर होगा। जब इससे आप सॉल्व करोगे देखना अभी भी r की वैल्यू 3 आ रही होगी। तो अगर आपने इससे सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इनको इक्वली रखोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि 10 - r और r + 4 ये 10 के बराबर है, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्योंकि क्या आप यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ फॉर एग्जांपल अगर 8 आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि 10 - 2 + 8 ये बराबर है 10 के? नहीं, ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाली फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपस में इक्वल होंगे, आप इक्वल रखोगे। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तब आप ये बात बोल सकते हो कि इन दोनों को ऐड करें तो ये होल के बराबर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल 30 का कॉम्प्लीमेंट होता है 60, जब आप इनको ऐड करोगे तो 90 आएगा होल। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 होता है, तो इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का सम 10 होता है। तो इस वाले मेथड में करोगे तो ये करना, और अगर इसमें कन्वर्ट करना चाह रही है, बुक का मेथड है तो आप इस तरह कर सकते हो। आप इसमें भी कर सकते हो, कोई बुक से हटके मेथड नहीं है, एक ही बात है, आप इस तरह करो या आप इस तरह करो। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि n15 इज इक्वल टू n10, ये कंडीशन गिवन है, और आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है 27n, ये आपको मालूम करना है। मतलब अगर आप इसको लिखोगे ना तो आप इसको किस तरह लिखोगे, 27cn, बस इस n की वैल्यू आपको चाहिए, जैसे n मिल जाएगा। अच्छा, ये वो वाला n नहीं है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, ये वो वाला n नहीं है, ये वो वाला n है जो आप मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि इस n का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट हैं। यहां पे n एज अ वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे आप कोई भी वेरिएबल यूज करते हो, इन दोनों में n एज अ टोटल ऑब्जेक्ट कंसिडर हुआ है। कि यहां पे अगर आप लिखोगे, इसको लिखोगे NC15, तो ये n एज अ ऑल ऑब्जेक्ट कंसिडर हुआ है, कि इतनी आपके पास चीजें हैं उसमें से आपको 15 सेलेक्ट करनी है। जबकि यहां पे जो n है वो एज अ वैल्यू कंसिडर हुआ है, कि फॉर एग्जांपल यहां पे 20 वैल्यू आ रही है या 25 आ रही है, जो भी आ रही है वो यहां पे आप पुट कर दोगे, यहां पे एज अ r कंसिडर होगा ये। ठीक है, लिखा हुआ n ही है लेकिन मतलब इसका r वाला होगा कि 27 में से आपने n जो है वो सेलेक्ट किया, ये नोटेशन का बस फर्क है, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। अगेन जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो तरीके होंगे। अब यहां पे आपको बात समझ आ जाएगी, यहां पे कोई स्टूडेंट नहीं पूछेगा सर कि डायरेक्ट मैं दो को बराबर रख सकता हूं, हालांकि ऊपर वाली चीजें तो सेम है। कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर ऊपर वाली सेम है तो नीचे वालों को बराबर रखो 15 और 10 को। तो मतलब मैंने आपको समझा दिया भाई कि डायरेक्ट आप बराबर नहीं रख सकते, चाहे नोटेशन में लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो। आप या तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालो किसी भी एक की, इनको बराबर कर दो आपस में, या दूसरा तरीका यह है कि इस वाली सिचुएशन में आप क्या करो, आप लिखो 15 + 10 बराबर होगा n के, इस तरीके से कर दो। दोनों तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो पहला वाला तरीका है, बुक वाला मेथड है, मैं वही कर देता हूं। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप लिखो कि सिंस NCR जो है वो बराबर होता है NCN - R के। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, NC15 किसके बराबर होगा, NCN - 15। मतलब NC15 पे आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये बराबर हो जाएगा NCN - 15 के। तो आप यही चीज ऊपर लिख दो, तो NCN - 15 बराबर हो जाएगा NC10 के। अब आप इनको कंपेयर करो तो आपको बात समझ आएगी, मतलब N-15 किसके बराबर हो जाएगा, N-15 बराबर हो जाएगा 10 के, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 25। जैसे n की वैल्यू 25 आ जाएगी, अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें पुट कर दोगे 27cn मतलब 27c25, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 27 factorial डिवाइडेड बाय 25 factorial, और 27 - 25 2 factorial। तो सॉल्व करोगे ऊपर बच्चों आएगा 27 26, और जो 25 factorial आएगा ना वो नीचे वाले 25 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जस्ट 2 factorial जो होगा 2 के बराबर है, 2 1 2 ये 13 हो जाएगा। तो 27 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 270 के अंदर आप ऐड कर दो बच्चों 81, तो 351 ये राइट ऑप्शन हो जाएगा।
इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। इसी टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आपके होंगे कि अब यहां पे आपको दो चीजें निकालनी है, आपको एम भी निकालना है, आपको आर भी निकालना है। पार्ट वन में कंडीशन क्या गिवन है कि एन पी आर जो है वो 240 है और एन सी आर जो है वो 120 है। इस कंडीशन को रख के आपने एन भी निकालना है, आपने आर भी मालूम करना है। किस तरीके से मालूम करोगे? आप इसको लिखोगे, आपको एनपीआर और एनसीआर के दरमियान में इतना तो पता है क्या कि एनसीआर जो है वो कैसे आया था, जो परमुटेशन का फॉर्मूला था उसको आपने आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। सिंपल सा मेथड है कि जो परमुटेशन का फॉर्मूला था उसको आपने जब आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया था तो आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया था। अब एनसीआर सवाल में गिवन है 120, एनपीआर सवाल में गिवन है 240 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो आर को ऊपर ले जाओ, 120 को जब डिवाइड करोगे, 240 को डिवाइड करो आप 120 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 को आप 2 फैक्टोरियल लिख दो। बात तो ये की है ना, मतलब यहां पे 2 आंसर आएगा, 2 लिख दो, 2 फैक्टोरियल के बराबर। क्यों? क्योंकि इस तरह भी फैक्टोरियल, इस तरह भी फैक्टोरियल, तो जब आप कंपेयर करोगे इसका मतलब आर जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ फैक्टोरियल है ना, तो इसका मतलब नीचे वाली चीज जो आर और 2 है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आर की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब सवाल ये कि आपने n कैसे निकालना है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, परमुटेशन का इजी है, जब आपको r पता है तो आप n आसानी से निकाल सकते हो। तो नाउ कंसीडर करो कि n p r सवाल में लिखा हुआ है 120 के बराबर है, ठीक है, तो एक्सपेंड करो n p, नहीं, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। r की वैल्यू आप पुट कर लो, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऊपर सॉल्व करो, n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां पे रुक जाओ, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी n माइनस 2 फैक्टोरियल है इक्वल टू 120, तो n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल करो, n को n से करो n स्क्वायर, n को माइनस 1 से करो माइनस n, 120 बदल ले आओ, ये तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। यहां पे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको यही कह रहा कि आप मिडिल टर्म के स्टेप शो करके दिखाओ। अच्छा सॉरी, 240 था, आप लोग देख रहे हो भाई गलती क्यों नजर आ रही, 240 है यहां पर। ठीक है, 240 और यहां पर हो जाएगा माइनस 240। 240 की मिडिल टर्म वैसे क्या होगी, 240 में जो 21 जो है वो 22 टर्म जाएगा मेरे ख्याल में। 10 टाइम होता है 210, फिर 420, नहीं गलत बता रहा हूं मैं, किसको मल्टीप्लाई करना है आपने फिगर आउट करके छोड़ूंगा मैं, चाहे जितना टाइम लग जाए। 12 को अगर 12 से करो 144, डिफरेंस 1 का चाहिए ना, और 1 का साइन पॉजिटिव 1 का नेगेटिव होगा, तो अगर आप 20 को 10 से करो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप अगर 16 को 16 से करो नहीं, 15 को 15 से नहीं, 14 को 14 नहीं, 14 को 15 से करें तब क्या होगा, हाँ फिर शायद हो सकता है 140 यानी 210 हो जाएगा वो, तो अगर 15 को 16 से करें तो 150 और 90, हाँ 15 को 16 से होगा ना ये, तो उस हिसाब से वैल्यू आएंगी इसकी। एक 16 आ रही है और एक माइनस 15 आ रही है, तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना इसमें, n स्क्वायर माइनस 16 n प्लस 15 n माइनस 240 n n माइनस 16 प्लस 15 n माइनस 16, एक फैक्टर आएगा n माइनस 16, एक आएगा n प्लस 15, दोनों को आप लोग रखोगे इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू 16 आएगी जिसको आप एक्सेप्ट करोगे, और यहां पे n की वैल्यू माइनस 15 आएगी जिसको आप डिस्कार्ड करोगे। चाहो तो आप रीजन भी लिख सकते हो, रीजन यहां पे आप बता दो कि n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, n पॉजिटिव ही होगा, तो चाहे आप ये भी लिख सकते हो कि n ग्रेटर देन और
ज्यादातर केसेस में ग्रेटर देन वन ही होता है, आप जीरो ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकती, तो लिख देना, मतलब आप इंटीजर में लिखोगे एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जिसमें एन इंटीजर होना चाहिए, तो चाहो तो ये लिख दो, वहां लिख दो कि एन कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा लिख दो बाल, तो एन इक्वल टू 16 जो है वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो 16 एन की वैल्यू हो जाएगी और आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। बच्चों इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 थोड़ा अच्छा, इसे निकालना, इसमें भी एन और आर ही है, इसमें कंडीशन बस थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले लिखी हुई है एन पी आर बराबर है एम पी आर प्लस 1 के, और दूसरी कंडीशन है कि एन सी आर बराबर है एन एन मल्टीप्लाई एन सी आर माइनस 1। दूसरी कंडीशन तो खतरनाक लग रही है यार, पहली कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू एन पी आर प्लस 1, तो सॉल्व करोगे हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पे स्टूडेंट प्लस कर देते हैं, उनके जहन में होता है एन माइनस आर प्लस 1, हालांकि माइनस जो है ना वो नीचे जो भी लिखा हुआ है उसके साथ लगता है, एन माइनस दोनों टर्म, तो दोनों टर्म के साथ अगर आप माइनस लगाओगे तो दोनों के साथ आना चाहिए, किसी आर के साथ नहीं हम लगाते, क्योंकि फॉर्मूला होता है ऊपर वाली चीज माइनस नीचे वाली चीज, तो नीचे वाली जो भी लिखी है उसके साथ माइनस आएगा, तो दोनों के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब आप इसको अगेन सॉल्व कर सकते हो किस तरीके से, देखो एन माइनस आर बड़ी चीज है, एन माइनस आर माइनस 1 छोटी चीज है, क्यों, क्योंकि n माइनस आर को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, n माइनस आर में से 1 कम करोगे तो आप क्या लिखोगे, n माइनस आर माइनस 1, भाई n माइनस आर से जब आप 1 कम करोगे तो आप क्या लिखोगे, n माइनस आर माइनस 1, ये चीज यहां पे लिखी हुई, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या, आप लिखो n माइनस आर मल्टीप्लाई n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह लिखो, और राइट साइड पे तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ये कि राइट साइड में 1 बचा हुआ है और इस तरफ बचा हुआ 1 अपॉन n माइनस आर, ठीक है। तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो इक्वेशन को दोनों तरफ, n माइनस आर बराबर हो जाएगा 1 के, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर, इसको डब्बा ना बनाओ, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, क्यों, क्योंकि दो अननोन है, दो अननोन की इक्वेशन आप, दो अननोन आप एक इक्वेशन से मालूम नहीं कर सकते, तो अब इसको ऐसी रहने दो। अब इस्तेमाल करो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि एन सी आर बराबर है एन मल्टीप्लाई एन सी आर माइनस 1, एन सी आर का फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन अपनी जगह पे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस दोनों टर्म के साथ लगेगा, तो आर माइनस माइनस आर हो जाएगा, और इसके साथ माइनस लगाओ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये सिचुएशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो n फैक्टोरियल तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे है n माइनस आर, अच्छा इसी तरह r फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, r मल्टीप्लाई आर माइनस 1 मल्टीप्लाई आर माइनस 2, मतलब एक कम करते जाओगे ना, तो यहां पे देखो r माइनस 1 है, यहां पे r है, तो इधर आप r को एक्सपेंड करो, आप लिखो r मल्टीप्लाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका तो हल निकाल लिया। इसी तरह यहां पे n माइनस आर है, यहां पे n माइनस आर प्लस 1 है, मतलब ये चीज बड़ी है, यहां पे जो चीज लिखी हुई है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप 1 कम करते जाते हो ना, अभी लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस 1, जब आप 1 माइनस करोगे, मतलब n माइनस आर अभी ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे एक कम करोगे मतलब 1 माइनस करोगे तो कैंसिल होगी, क्या बचेगा n माइनस आर, ये वाली चीज। और इस तरीके से जो जो बड़े फैक्टोरियल है उनको आप एक्सपेंड करो, एन फैक्टोरियल तो ऊपर ही रहना, तो एक साथ हम इसको कैंसिल कर देंगे, नीचे आर बड़ा है आर माइनस 1 छोटा है, तो इसको एक्सपेंड करो, आर फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, आर मल्टीप्लाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह एन माइनस आर छोटा है ये बड़ा है, तो इसको ऐसे रहने दो, जो छोटी क्वांटिटी है उसको छेड़ो नहीं। अच्छा राइट हैंड साइड पे क्या है, ये वाला एन अपनी जगह पे, अच्छा एन फैक्टोरियल अपनी जगह पे, नीचे r माइनस 4 r माइनस 1 छोटा है ना, तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी जगह पे रहने दो। हाँ इस तरफ क्या था, n माइनस आर प्लस 1, इसको एक्सपेंड करो, तो एक दफा तो ये लिखो, फिर आप 1 कम करो, 1 कम करोगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आपने एक्सपेंड कर दिया। अब आप कैंसिलेशन करो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल,
आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल। अब देखो क्या बचा है, यहां पे जस्ट आर बचा हुआ है, यहां पे एक तो एन बचा है और नीचे वो चीज बची हुई, ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी आप एन की वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस चीज को आप उधर ले जाओ और आर को उधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा एक काम करो, आप एन की वैल्यू निकालने से बेहतर है आप इस इक्वेशन के अंदर ही पुट कर दो एन की वैल्यू, मतलब जो एन निकाला था ना उसको आप पुट कर दो उसके अंदर। तो आप कह सकते हो, पहले आप इसको इस तरह लिख दो, एन आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन। अब आप ये जो एन है ना, एन की वैल्यू अपने क्या निकाली थी, वन प्लस आर, तो आप इस एन की जगह पुट कर दो वन प्लस आर, यहां पर भी एन की जगह पुट कर दो वन प्लस आर। तो इधर आपने एन की जगह वन प्लस आर, इधर आपने एन की जगह वन प्लस आर, जो यहां से वैल्यू निकाली थी वो आपने पुट कर दी। आर को वन से करो आर, आर को आर से करो आर स्क्वायर। अच्छा ये आर और ये वाला माइनस आर, ये कैंसिल, वन प्लस वन टू, इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इक्वल टू जीरो। मिडल टर्म ब्रेक करोगे प्लस टू आर माइनस आर फैक्टर बनेंगे, कैलकुलेटर डिले ही करेगा मुझे तो बेहतर है वैसे निकाल लेता हूं। तो एक फैक्टर यहां पे आ जाएगा आर प्लस टू, दूसरा आ जाएगा आर माइनस वन। तो आइदर आर की वैल्यू होगी आर माइनस टू, जिसको आप कर दोगे डिस्कार्ड, क्योंकि आर नेगेटिव नहीं हो सकता, जब एन नेगेटिव नहीं है तो आर नेगेटिव कैसे होगा, और यहां से आर की वैल्यू वन आएगी जिसको आप कंसिडर करोगे। तो अल्लाह अल्लाह करके आपने आर निकाल लिया, जब आर आ गया तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर वन है एन इक्वल टू वन प्लस आर, आर की जगह आप पुट कर दो वन, तो एन की वैल्यू टू आ जाएगी। तो सवाल आपका कंप्लीट, एन टू है, आर यहां पे वन है, मसला हल। जो शुरू के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।